डाइट में क्यों नहीं लेने चाहिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, कैसे बढ़ाते हैं ये कैंसर का खतरा, जानिए। खाने में जरूर स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स वो नहीं जिन्हें डाइट में शामिल करने की राय एक सपर्ज देते हैं। कहा जाता है कि इन फूड्स में नमक, चीनी और खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए कई चीजों का कम इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर लोगों की डाइट का ये काफी बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। फ्रांस से एक शोध सामने आया है जिसमें बताया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मृत्यु को निकट लाने का हिस्सा बन सकते हैं। ये फूड सेहत के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। शोध में बताया गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का उपभोग बढ़ाने से करीब 7 साल तक उम्र कम हो सकती है, यानी उम्र से 7 साल पहले मरने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि इसे साबित करने के लिए रिसर्च को पूरी तरह मुकम्मल नहीं किया गया है, लेकिन शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इन फूड्स का सेवन करने से व्यक्ति की उम्र कम हो सकती है। उसमें दिल से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं, कैंसर और कई ऐसी जानलेवा बीमारियां लग सकती हैं। मार्केट के अनुसार देखा जाए तो पहले के मुकाबले लोगों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने का चाव बढ़ा है, लेकिन दूसरी ओर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगने वाली बीमारियों का सिलसिला भी कम हुआ है, क्योंकि इन फूड से उत्पन्न होने वाला इन्फेक्शन एक से दूसरे तक नहीं जाता है। ये शोध जामा इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। किसे कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? शोध के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कई प्रकार की सामग्रियां मिलाई जाती हैं। ये कई तरह के औद्योगिक क्रियाओं से गुजरकर मार्केट में उतरते हैं। फैट, ऑयल, नमक और चीनी इन फूड्स में तो नहीं मिलते, लेकिन स्वाद, रंग, मीठा करने वाली चीजें और रासायनिक चीजें खूब मिलाई जाती हैं। कौन सी चीजें होती हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड? अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजों में स्नैक्स, आइसक्रीम, टॉफी, कैंडी, एनर्जी बार्स, प्रोसेस किया पैकेट बंद मीट, रेडीमेड मील, बिस्कुट, केक और पेस्ट्री शामिल हैं। पहले हुई स्टडी से ये बात सामने आई थी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से लोगों में मोटापे का खतरा बढ़ रहा है, यहाँ तक कि उनमें उच्च रक्तचाप और कैंसर की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन ये जीवन के साल कम कर रहे हैं, मृत्यु के करीब ले जा रहे हैं। ऐसी कोई रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के शोधकर्ताओं ने इसे साबित करने के लिए 44,000 युवा जिनकी उम्र 45 साल थी और फ्रांस स्थित थे उन पर रिसर्च की। हर व्यक्ति से एक प्रश्नावली भरवाई गई जिसमें उनसे उनके रोजमर्रा के खाने की चीजें लिखने के लिए कहा गया। इन सभी प्रतिभागियों पर आगे आने वाले 7 सालों तक निगरानी रखी गई। शोध के दौरान करीब 600 प्रतिभागियों की मृत्यु हुई। ये भी देखा गया कि करीब 30% प्रतिभागी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से रोज की अधिकतम कैलोरी की पूर्ति करते हैं। इसी में जब लोगों से करीब 10% अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की पूर्ति बढ़ाने के लिए कहा गया तो 7 सालों के अंतर्गत उनमें 14% जल्दी मौत होने का खतरा बढ़ता दिखाई दिया। इसके अलावा प्रतिभागियों में बॉडी मास इंडेक्स BMI की बढ़ोतरी भी दिखाई दी। स्मोकिंग हैबिट्स देखी गई, कैलोरी का ज्यादा सेवन, कम एक्सरसाइज, शराब के सेवन में बढ़ोतरी, दिल से जुड़ी समस्याएं और कैंसर के केस में बढ़ोतरी दिखाई दी। कैसे हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेहत के लिए खतरनाक? लेखकों का कहना है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा इनमें चीनी मिलाई जाती है, फाइबर की मात्रा कम कर दी जाती है जिससे सेहत को भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दिल से जुड़ी समस्याएं और कैंसर की शिकायत बढ़ सकती हैं, जो कि एक नॉन कम्युनिकेबल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न जाने वाली बीमारी है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को बनाते समय कई केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे पैकेट वाले मीट में पॉलीसाइक्लिक क्रोमेटिक हाइड्रोकार्बन उत्पन्न हो सकता है जो कैंसर को बढ़ावा देने वाला तत्व है। इसके अलावा खाने को पैक करने के लिए इस्तेमाल में आने वाला केमिकल बिस्फिनॉल ए, BPA, हार्मोन्स की गति को खराब कर सकता है।